नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल HRI News पर। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें दोस्तों सामने निकल के आ रही हैं, जहां पर आपको एक एक करके तमाम बड़ी खबरें इसी वीडियो में बताएंगे। सबसे पहले दोस्तों शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। सोनिया गांधी ने पीएम मोदी को लिखा पत्र, लॉकडाउन में फंसे मजदूरों की मदद करने की अपील। तो वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर में आप लोगों को बताएंगे, पहली बार भारतीय वैज्ञानिकों ने ली कोरोना वायरस की तस्वीर, गले की खराश के सैंपल से मिली बड़ी कामयाबी, क्या है पूरा मामला, आगे जानेंगे खबर को विस्तार से। तो वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर में आप लोगों को बताएंगे, बॉलीवुड के खान ने साधा नेताओं पर निशाना, कहा सभी दे 10 करोड़, सब जनता का ही तो है। इसी प्रकार की तमाम बड़ी खबरें आगे विस्तार से जानेंगे इसी वीडियो में, लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा करके अभी चैनल को फ्री में सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में ही बेल का आइकन होगा उसे जरूर दबा दीजिए। तो आइए दोस्तों आज की सभी बड़ी खबरें जान लेते हैं। पहली बार भारतीय वैज्ञानिकों ने ली कोरोना वायरस की तस्वीर, गले की खराश के सैंपल से मिली बड़ी कामयाबी। आप लोगों को दोस्तों बता दें, वैज्ञानिकों ने केरल में 30 जनवरी को सामने आए कोरोना वायरस के सबसे पहले मरीज के गले की खराश का नमूना लिया था। उस नमूने से यह तस्वीर सामने आई है जो आप लोगों के सामने है। अब आप लोगों को बता दें कि अभी तक कोरोना वायरस के संक्रमण का इलाज नहीं ढूंढा जा सका है। दुनिया भर में तमाम देशों के वैज्ञानिक इसका इलाज ढूंढने के लिए लगातार रिसर्च में जुटे हुए हैं। भारतीय वैज्ञानिकों ने अब कोरोना वायरस की तस्वीर ले ली है, जिससे इसके इलाज की दिशा में आगे के शोध का रास्ता साफ हो गया है। तो यहां पर दोस्तों ये बड़ी खबर सामने निकल के आई, आइए एक और अपडेट जान लेते हैं। सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलकर भूखे प्यासे पहुंचे गांव पर लाठी डंडों से लैस ग्रामीण घुसने नहीं दे रहे हैं, प्रवासी मजदूरों की व्यथा अंतहीन। आप लोगों को दोस्तों बता दें, जिस कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में लॉकडाउन का ऐलान किया था, वही कोरोना प्रवासी मजदूरों के लिए अपने घर जाने में समस्या बन गया है। काम और रहने खाने की व्यवस्था की कमी की वजह से हजारों की संख्या में मजदूर लॉकडाउन के ऐलान के ठीक बाद अपने घरों के लिए निकल गए थे। जब मंजिल तक जाने के लिए उन्हें कोई वाहन नहीं मिला तो सभी ने पैदल ही कूच करने का फैसला किया, लेकिन उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पंजाब के ज्यादातर गांवों में लाठी डंडों से लैस ग्रामीण ही उन्हें गांव में घुसने नहीं दे रहे हैं। सभी इन प्रवासी मजदूरों से दूरी बनाने में कड़ाई बरत रहे हैं। अब चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, दावे तो बड़े बड़े किए जा रहे हैं इन लोगों की मदद के लिए, लेकिन जमीनी हकीकत तो कुछ और ही है। लॉकडाउन की वजह से अब तक उनके लिए अंतरराज्यीय परिवहन शुरू नहीं किया गया है, इसके चलते उन्हें रास्ते में भी डर और अविश्वास का सामना करना पड़ रहा है। तो यहां पर यह बड़ी खबर सामने निकल के आई, आइए दोस्तों एक और अपडेट आप लोगों को बता दें। सोनिया गांधी ने पीएम मोदी को लिखा पत्र, लॉकडाउन में फंसे मजदूरों की मदद करने की अपील। आप लोगों को दोस्तों बता दें, देश भर में लागू लॉकडाउन के बीच कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा है। इस पत्र में उन्होंने लॉकडाउन में फंसे उन गरीबों का जिक्र किया है जो लॉकडाउन के बाद अपने घर जा रहे थे लेकिन बीच रास्ते में ही फंस गए। सोनिया गांधी ने पीएम नरेंद्र मोदी से अपील की है कि देशव्यापी लॉकडाउन के बीच कई जगहों पर रास्तों में फंसे मजदूरों और गरीबों की मदद के लिए नेशनल लेवल की एडवाइजरी जारी की जानी चाहिए। उन्होंने पीएम मोदी से आग्रह किया है कि ऐसे लोगों के लिए राज्य परिवहन सेवा उपलब्ध करवाई जाए ताकि वह लोग भी अपने घर सुरक्षित पहुंच सके। आप लोगों को आगे बता दें, सोनिया गांधी ने पत्र में कहा है कि लाखों मजदूर बीच रास्ते में ही फंसे हुए हैं और पैदल ही घर जाने को मजबूर हो गए हैं। कई लोग गेस्ट हाउस और होटलों में हैं जिनके पास पैसे भी नहीं है। ऐसे लोगों के लिए परिवहन सेवा मुहैया कराई जानी चाहिए केंद्र सरकार के द्वारा। ये यहां पर सोनिया गांधी ने पत्र में तमाम बड़ी बातें कही हैं जो उन्होंने पीएम मोदी को लिखा है, और यहां पर उन्होंने मांग की है कि लॉकडाउन में फंसे मजदूरों की मदद की जानी चाहिए केंद्र सरकार के द्वारा। यहां पर यह बड़ी खबर सामने निकल के आई। तो वहीं दोस्तों एक और अपडेट आप लोगों को बता दें, अमेरिका की मैगजीन ने चीन पर उठाए सवाल, लिखा चीन ने छिपाई थी कोरोना वायरस की बड़ी जानकारी। आप लोगों को दोस्तों बता दें, कोरोना वायरस जिसने अब तक 24,000 से भी ज्यादा लोगों की जान ले ली है और 5 लाख से भी ज्यादा लोगों पर असर डाला है,
चीन दुनिया भर से अपील कर रहा है कि इस महामारी के खिलाफ एक जंग छेड़नी चाहिए। यह वही चीन है जो उस समय तक शांत बैठा था जब वुहान में वायरस तबाही मचा रहा था। आज दुनिया में जान माल का तो नुकसान हो ही रहा है, मगर अर्थव्यवस्था की कमर भी टूट रही है। अमेरिका की एक मैगजीन ने अब चीन को संदेह के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया है। मैगजीन ने अपनी रिपोर्ट में पूरी टाइमलाइन दी है कि कैसे और कब कब चीन ने असलियत को छिपाने की कोशिश की। आप लोगों को दोस्तों बता दें, अमेरिकी मैगजीन नेशनल रिव्यू में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर चीन ने समय रहते हुए इस वायरस के बारे में दुनिया को बता दिया होता तो आज शायद तस्वीर कुछ अलग ही होती, लोगों की जान बचाई जा सकती थी और इस वायरस को नियंत्रण में लाया जा सकता था किसी भी कीमत पर। ये यहां पर अमेरिकी मैगजीन ने रिपोर्ट में तमाम बड़ी बातें कही हैं और यहां पर चीन को लाके खड़ा कर दिया है संदेह के घेरे में और चीन पर उठाए हैं कई गंभीर सवाल। तो वहीं दोस्तों एक और अपडेट आप लोगों को बता दें, कोरोना वायरस संकट के बीच प्रियंका गांधी का सीएम योगी को पत्र, सरकार का सहयोग करेगी कांग्रेस। आप लोगों को दोस्तों बता दें, कोरोना वायरस के लगातार बढ़ते प्रकोप को लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने कोरोना के खिलाफ जंग में प्रदेश सरकार का साथ देने का भरोसा दिया है। प्रियंका गांधी ने लिखा है कि जो लोग विभिन्न जगहों से वापस लौट रहे हैं उनको स्कूलों में शरण दी जाए और फिर उन्हें उनके घर तक सुरक्षित पहुंचाया जाए, दिहाड़ी मजदूरों की रोटी की व्यवस्था हो, किसानों की तरफ भी ध्यान दिया जाए, उनकी फसल तैयार है, कांग्रेस के वॉलंटियर सरकार की मदद करेंगे हर स्तर पर। ये यहां पर प्रियंका गांधी ने कहा है। तो वहीं दोस्तों आप लोगों को बता दें, प्रियंका गांधी ने आगे कहा कि इस आपात स्थिति को देखते हुए पार्टी ने निर्णय लिया है कि वह सरकार का हर तरह से सहयोग करेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ताओं से सरकार की हर तरह की मदद करने की अपील की गई है। ये वक्त हम सबके लिए मतभेदों से ऊपर उठकर एकजुट होकर लड़ने का है। ये वक्त गरीब लोगों के लिए खासा संकट का है, इसलिए उन लोगों की ज्यादा से ज्यादा मदद की जानी चाहिए। ये यहां पर प्रियंका गांधी ने तमाम बड़ी बातें कही हैं। तो वहीं दोस्तों एक और अपडेट आप लोगों को बता दें, ओडिशा के मुख्यमंत्री पटनायक ने किए बड़े ऐलान, 2200 करोड़ का राहत पैकेज किया जारी। आप लोगों को दोस्तों बता दें, देश में लगातार बढ़ते कोरोना मामलों से निपटने के लिए राज्य सरकारें भी लगातार बड़े कदम उठा रही हैं। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने इसी क्रम में प्रदेश में कोरोना संकट के लिए 2200 करोड़ रुपए का राहत पैकेज जारी कर दिया है। सीएम पटनायक ने इस दौरान कहा है कि कोरोना वायरस वैश्विक संकट बन गया है, इससे खासकर गरीब वर्ग अधिक प्रभावित हो रहा है। समाज के कमजोर वर्ग के लिए यह राहत पैकेज जारी किया जा रहा है। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने जानकारी दी है कि प्रदेश में फूड सिक्योरिटी स्कीम के तहत राज्य सरकार अगले 3 महीने का पीडीएस राशन सभी जरूरतमंदों को देगी। ये यहां पर तमाम बड़ी बातें कही हैं ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने और यहां पर 2200 करोड़ रुपए का राहत पैकेज किया है जारी। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी खबर आप लोगों को बता दें, राहुल गांधी ने लॉकडाउन पर उठाए सवाल, कहा भारत ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है। आप लोगों को बता दें, भारत में भी कोरोना के मामलों में लगातार तेजी आती जा रही है। अब तक इस खतरनाक वायरस की वजह से देश में 17 लोगों की जान जा चुकी है। देश में अब तक कोरोना के 900 से भी ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। इस बीच कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी ने लॉकडाउन के चलते लोगों को हो रही परेशानी को लेकर केंद्र सरकार को पत्र लिखा है। साथ ही उन्होंने लोगों से संकट के समय में लोगों से दयालुता दिखाने की अपील की है। आप लोगों को दोस्तों बता दें, राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा है कि लॉकडाउन हमारे गरीब और कमजोर वर्ग को तबाह कर देगा। यह भारत के लिए एक बहुत बड़ा झटका होगा जिसे हम प्यार करते हैं। भारत ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है, हमें फैसलों पर ध्यान से विचार करना होगा। इस संकट से निपटने के लिए एक अधिक सूक्ष्म और दयालु दृष्टिकोण की बहुत ही आवश्यकता है, अभी भी बहुत देर नहीं हुई है। ये यहां पर राहुल गांधी ने ट्वीट करके तमाम बातें कही हैं। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी खबर आप लोगों को बता दें, IMF चीफ ने कहा यह साफ है कि हम मंदी के दौर में प्रवेश कर चुके हैं, ये 2009 से भी बुरा होगा। आप लोगों को दोस्तों बता दें, कोरोना वायरस का पूरी दुनिया में लगातार कहर जारी है और इसका असर अर्थव्यवस्था पर भी साफ दिख रहा है। अब इसी को लेकर के IMF की प्रमुख ने कहा है कि कोरोना वायरस महामारी ने वैश्विक अर्थव्यवस्था को मंदी की ओर धकेल दिया है।
जिससे विकासशील देशों को मदद के लिए बड़े पैमाने पर धन की आवश्यकता होगी। उन्होंने कहा कि यह साफ है कि हम मंदी में प्रवेश कर रहे हैं। मौजूदा स्थिति 2009 में वैश्विक वित्तीय संकट से ज्यादा खराब है। जॉर्जिवा ने आगे कहा है कि दुनिया भर में आर्थिक गतिविधियां अचानक से ठप होने के साथ उभरते बाजारों को 2500 अरब डॉलर के वित्त पोषण की जरूरत होगी। ये यहां पर बड़ा बयान सामने निकल के आया है आईएमएफ की प्रमुख का। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी खबर आप लोगों को बता दें, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे बोले, कोरोना से लड़ने के लिए अगले 15 से 20 दिन है बहुत ही महत्वपूर्ण। आप लोगों को दोस्तों बता दें, भारत में कोरोना वायरस से लगातार आफत बढ़ती ही जा रही है। देश में कोरोना पीड़ितों की संख्या 900 के भी पार पहुंच गई है। इससे निपटने के लिए पीएम मोदी ने 14 अप्रैल तक लॉकडाउन का ऐलान किया है। तो वहीं केंद्र के साथ राज्य सरकारें भी कोरोना वायरस से मुकाबला करने के लिए लगातार उचित कदम उठा रही हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने ट्वीट करते हुए कहा है कि अगले 15 से 20 दिन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह हमारे प्रतिरोध की अंतिम परीक्षा है और हमें इसके लिए पूरी तरह से तैयार रहना होगा। एक बार जब हम परीक्षा को पास कर लेते हैं तो कोई भी हमें रोक नहीं सकता है। ये यहां पर कहा है सीएम उद्धव ठाकरे ने। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी खबर आप लोगों को बता दें, बॉलीवुड के खान ने साधा नेताओं पर निशाना। कहा, कोरोना वायरस से लड़ने के लिए सभी दे 10 करोड़, सब जनता का ही तो है। आप लोगों को दोस्तों बता दें, ज्वलंत मुद्दों पर बेबाकी से अपनी राय रखने वाले कमाल आर खान ने अपने ट्वीट में कहा है कि देश के हर नेताओं को राहत कोष में 10 करोड़ रुपए देने चाहिए, क्योंकि इनके पास आज जो कुछ है वो जनता की बदौलत ही तो है। आप लोगों को दोस्तों बता दें, केआरके ने अपने ट्वीट के माध्यम से नेताओं से कोरोना वायरस से लड़ाई के लिए फंड देने की गुहार लगाई है। केआरके का यह ट्वीट इस समय सोशल मीडिया में जमकर सुर्खियां बटोर रहा है और लोग उनके इस ट्वीट पर अपनी राय भी रख रहे हैं और ये ट्वीट अब जमकर के वायरल हो रहा है। तो दोस्तों यहां पर आज की ये तमाम बड़ी खबरें सामने निकल के आई जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई। इन खबरों पे आप लोगों की क्या राय है कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों तक इन खबरों को जरूर पहुंचाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर दबा दीजिए। दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।